zombie apocalypse. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सैयद सादी और आप देख रहे हैं सैयद सादी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ एक पंजाबी उर्दू लिरिक्स का वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक डेमो प्ले कर दिखा देता हूँ। हाले तो स्टेटस लगता है मियाँ जी। तो गाइस, सेम इस तरह की आज हम वीडियो क्रिएट करने वाले हैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस, अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर है तो उसको आपने ओपन कर लेना है। तो अभी मैं जो है अपने यहाँ से काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा, सीधा आपने इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद सीधा आपने यहाँ से कोई भी एक रेशो सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से जो है 1:1 की रेशो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सीधा आपको यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो अगर आप यहाँ पर चाहे अपनी इमेज भी जो है ऐड कर सकते हैं, वरना आप किसी अपने फेवरेट एक्टर जो भी आपको फ़ोटो ऐड करनी है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सीधा आपको यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने इसको सही तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ इक्वल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ से टिक कर दूँगा, और उसके बाद मैं अपने स्टेटस के हिसाब तक इसकी टाइमलाइन को बढ़ा दूँगा। तो गाइस, उसके बाद सीधा आपने इमेज पर दोबारा क्लिक करना है, यहाँ पर आपको विग्नेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सीधा आपने इसको यहाँ से इनेबल कर लेना है। तो उसके बाद सीधा हमें क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं मेरे पास एक PNG पड़ी है, तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो गाइस, ये वह PNG मैंने यहाँ पर ऐड कर लूँगा, ये वाली गाइस। तो उसके बाद जो है मैं इसको कुछ इतना बड़ा करूँगा इसका साइज़, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ नीचे ले आऊँगा, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं इसकी भी टाइमलाइन को बढ़ा दूँगा। तो उसके बाद क्या करना है, सीधा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोबारा आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सीधा यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं अपना जो है एक चैनल का जो है लोगो ले लेता हूँ, तो इस लोगो को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, ये मैंने पिक्सेल लैब से क्रिएट किया है, तो मैं इस लोगो को यहाँ पर रख लेता हूँ। तो गाइस, उसके बाद मैं यहाँ से इसकी टाइमलाइन को फुल वीडियो के एंड तक बढ़ा लूँगा। तो गाइस, उसके बाद आपको सीधा क्या करना है, ये सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ वीडियो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इन फेड वीडियो फेड इन और फेड आउट को जो है आपने इनेबल कर लेना है, और उसके बाद पहले के टाइम लाइन को आपने रख लेना है कुछ 7, यहाँ से मैं बता देता हूँ इसको 50% 50 सेकेंड रख लें, और इसको भी आप तकरीबन यहाँ से 25 सेकेंड तक रख लें। उसके बाद हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से लुक आएगी, कुछ इस तरीके से फेड, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फर्क पड़ चुके हैं हमारी वीडियो के अंदर। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद मैं यहाँ पर मेरे पास बीट पड़े हुए हैं गोल, तो वो बीट मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, उसके बाद मैं स्पीड को यहाँ नीचे ब्लेंडिंग मोड पर क्लिक करके इसको यहाँ से मैं सीधा स्क्रीन कर दूँगा। तो गाइस, उसके बाद मैं सीधा बैक पर क्लिक करूँगा, और ऊपर आकर यहाँ से मैं इसका साउंड को ऑफ कर दूँगा। उसके बाद मैं इसको कुछ इतना छोटा करके यहाँ पर लगा लूँगा अपने नाम के ऊपर। तो गाइस, इसको मैं कुछ यहाँ पर लगा दूँगा। तो उसके बाद सीधा आपने इसका डुप्लीकेट निकालना है, डुप्लीकेट निकालने के बाद आपने इसको बिल्कुल यहाँ पर लगा लेना है। तो मैं इसको बिल्कुल इसके बराबर यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो गाइस, उसके बाद जो है ये भी हमारा हो चुका है सेट। अब उसके बाद बारी आती है यहाँ पर अपने लिरिक्स वीडियो ऐड करने की। तो अगर आप चाहें लिरिक्स वीडियो भी ले सकते हैं, वरना आप ख़ुद भी जो है अपनी मर्ज़ी के स्टेटस जो आपका सॉन्ग हो या शायरी हो, तो वो आप यहाँ देखें, यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट में से आप ख़ुद भी यहाँ से लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। तो ठीक है गाइस, उसके बाद मैं यहाँ से टिक करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिरिक्स नहीं लिखता क्योंकि मेरे पास पढ़ने में है लिरिक्स। तो उसके बाद मैं इसका साइज़ कुछ बड़ा करूँगा, और ब्लेंडिंग मोड पर जाके मैं इसको यहाँ से सीधा स्क्रीन कर दूँगा। स्क्रीन करने के बाद मैं इसका साइज़ कुछ इतना बड़ा कर दूँगा, तो इसको मैं बिल्कुल यहाँ अपने बीट्स के ऊपर की तरफ लगा लूँगा। तो इसको मैं कुछ यहाँ से छोटा कर देता हूँ, इसको बिल्कुल यहाँ से मैं सेंटर पर लगा देता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ सेंटर पर लगा देता हूँ। तो गाइस, उसके बाद मैं अभी आपको बता देता हूँ,
उसके बाद सीधा आपको क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है। अगर आप चाहें तो अपने चैनल का लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं, वरना इसी तरह ठीक है। तो उसके बाद मैं जो है यहाँ पर अपना ये लोगो ऐड करूँगा। तो लोगो ऐड करने के बाद सीधा आपको यहाँ अल्फा ओपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इसको आपने बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा कम कर देना है। उसके बाद मैं इसको कुछ इतना छोटा करके यहाँ ऊपर कॉर्नर पर लगा लूँगा, और उसके बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा और छोटा कर दूँगा। उसके बाद मैं अभी इसकी टाइमलाइन को फुल वीडियो के एंड तक बढ़ा लूँगा। तो गाइस उसके बाद जो है हमारा एक स्टेटस देखने को क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो इसी तरीके से जो है अपना स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आप इस अपनी इमेज को विग्नेट के अलावा जो है और भी ज़्यादा ब्लैक करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर जाएंगे, बैकग्राउंड में से आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने बिल्कुल इसको यहाँ से फुल कर लेना है। फुल करने के बाद सेंड टू बैक पर क्लिक कर लेना है। सेंड टू बैक पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से आपको अल्फा ओपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इसको आपने बिल्कुल यहाँ से कम कर लेना है। तो गाइस उसके बाद आप इसका यहाँ से कोई भी कलर रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ब्लू कलर हो गया है। तो अब मैं इसकी अल्फा ओपेसिटी को कम करता हूँ, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक अच्छी लुक यहाँ पर आ गई है। तो गाइस ये देख सकते हैं आपके कितनी अच्छी लुक आ गई है यहाँ पर। तो ये पहले वाला था, तो ये जो है अब वाला है। तो गाइस आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसकी भी जो है टाइमलाइन को फुल अपनी वीडियो के एंड तक बढ़ा लीजिएगा। तो उसके बाद जो है आपने स्टेटस को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो उम्मीद है गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।